हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम आर्ट और डिजाइन से जुड़ी सभी टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है वार्म एंड कूल कलर्स के बारे में। व्हाट आर द वार्म कलर्स? तो आइए वार्म कलर्स के शुरुआत करते हैं। वार्म कलर्स वे कलर्स हैं जो गर्म से जुड़े होते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज और येलो कलर। इन कलर्स का उपयोग सनसेट ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट और फैशन के लिए यूज किया जाता है। वार्म कलर्स का उपयोग अक्सर उन डिजाइन में किया जाता है जो अट्रैक्ट और अटेंशन के लिए होते हैं। कोई भी आपकी एक पेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी ज्यादातर वार्म और कूल कलर्स को यूज किया जाता है। टोटली वार्म कलर्स है 3, रेड, ऑरेंज और येलो कलर। ये 3 वार्म कलर्स हैं। अब हम बात करते हैं कूल कलर्स के बारे में। कूल कलर्स वो कलर्स होते हैं जो एसोसिएटेड विद कूलनेस से जुड़े होते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, पर्पल। इन कलर्स का उपयोग अक्सर पीस, रिलैक्सेशंस और पीस और इमोशंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और कूल कलर का यूज अक्सर उन डिजाइन में किया जाता है प्रोफेशनलिज्म और सोफिस्टिकेशन इमोशंस क्रिएट करने के हेतु, जैसे कि बिजनेस कार्ड और वेबसाइट के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा अपने पेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आर्टिस्ट मंजुनाथ और आप लोग देख रहे हैं एमसी आर्ट फाउंडेशन चैनल को। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि वार्म और कूल कलर्स का एक साथ यूज कैसे करना चाहिए। जब एक साथ उपयोग किया जाता है तो वार्म और कूल कलर्स किसी पेंटिंग या डिजाइन में बैलेंस और हार्मोनियम को इमोशंस के साथ क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक पेंटिंग फोरग्राउंड के लिए वार्म कलर्स और बैकग्राउंड के लिए कूल कलर्स का उपयोग करती है। डेप्थ और डायमेंशंस की इमोशंस जनरेट कर सकती हैं। हे गाइस, ये रहा हमारा कम्प्लीटली वार्म एंड कूल कलर का चार्ट। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। अब मैं इसके अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को ड्रॉ करके उससे हम एक दोनों कलर को, वार्म और कूल कलर्स को मिलाकर हम एक अट्रैक्टिव पेंटिंग बनाने वाले। चलो तो आइए इसको भी हम शुरुआत करते हैं। We'll be right back.
एनवायरमेंट कूल कलर के अंदर और एक मैंने सर्कल को ड्रॉ किया है। सो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ ट्रायंगल्स को यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ही कुछ हम सर्कल्स को भी इसमें ड्राइंग करेंगे। हमें कुछ सर्कल को बिग साइज में ड्राइंग करेंगे, कुछ सर्कल को बिल्कुल स्मॉल साइज में ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ट्रायंगल को भी हम कुछ बिग साइज को ड्रॉ करेंगे, कुछ बिल्कुल भी स्मॉल साइज में हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ स्क्वेयर को भी हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद कुछ कर्व लाइंस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमारा एक ड्राइंग पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब हम शुरुआत करेंगे इसका पेंटिंग। पेंटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर्स को यूज़ किया है। पहले हम वार कलर को अप्लाई कर लेते हैं। जहाँ पे हमने सर्कल को बनाया, सिर्फ हम सर्कल के अंदर ही वार्म कलर्स को अप्लाई करेंगे। पहले मैं यहाँ पे रेड कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं करने वाला हूँ ऑरेंज कलर को, उसके बाद मैं करूँगा येलो कलर को। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रेड कलर को अप्लाई करके उसी रेड कलर को फिर से हम लाइट करके भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, और भी आपका पेंटिंग अट्रैक्टिव दिखाने के लिए शुरुआत हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले मैंने रेड को किया, उसके बाद ऑरेंज को किया। We'll be right back.
इसी प्रकार से मैंने रेड कलर को ही थोड़ा सा लाइट करके भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, और वैसे ही ऑरेंज कलर को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट करके अप्लाई किया है। जैसे ही हमारा सर्कल के इनसाइड वार्म कलर कंप्लीट हो जाएगा, तो वैसे हम इसके आउटसाइड में बाहर की ओर हम क्या करेंगे, कूल कलर्स को अप्लाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर्स को यूज़ किया है। पोस्टर कलर के कुछ रूल्स होते हैं कि आपको मतलब डायरेक्ट कलर्स को ही आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपका फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। जब आप पोस्टर कलर को यूज़ करेंगे, थोड़ा सा उसका उसमें पानी का मात्रा आपको यूज़ करके उसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके अगर आप कलर को अप्लाई करेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। पेंटिंग करते समय में आपको बहुत ही सावधान से आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक सर्कल, एक एक ट्रायंगल, एक एक स्क्वायर बिल्कुल आपको परफेक्ट दिखना चाहिए, तभी इस पेंटिंग का असलियत में मज़ा आता है। इससे आपका पेशेंस भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ ही आपका पेंटिंग सुंदर भी लगेगा। कूल कलर्स में भी मैंने ऐसा ही किया है। पहले मैंने कुछ डार्क कलर्स को अप्लाई कर लिया है, उसके बाद पश्चात उसी कलर्स को मैंने लाइट करके भी यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। हे गाइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि वार्म कलर मेरा कंप्लीटली रेडी हो चुका है। आपको पहले ही कहा था कि सिर्फ हमें सर्कल के भीतर ही जितने भी फॉर्म्स हमें दिखाई देता है उसके अंदर ही हमें क्या करना चाहिए, वार्म कलर्स को अप्लाई करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब सर्कल के बाहर हम क्या करेंगे, कूल कलर्स को अब हम अप्लाई करते हैं। कूल कलर्स को अप्लाई करने का तरीका भी वही सेम रहेगा जैसे हमने वार्म कलर को किया है। जैसे हमने रेड कलर को किया था वार्म कलर में, उसी कलर को लाइट करके हमने किया था, कूल कलर में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो पहले हम जहाँ जहाँ हमें डार्क कलर्स की आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम डार्क कलर को अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद एक एक कलर को लाइट करते हुए हम बैलेंसिंग बनाते हुए हम कलर को अप्लाई करते जाएंगे। पहले मैंने यहाँ पे ब्लू कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही ब्लू कलर मेरा ख़त्म हो जाएगा उसके पश्चात मैं
ग्रीन कलर को इसके भीतर अप्लाई करूंगा। ब्लू कलर मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं करने जा रहा हूँ ग्रीन कलर को। ग्रीन कलर को भी हमें ऐसे ही अप्लाई करना चाहिए जहाँ इसका बैलेंसिंग बनाने के लिए तीनों तरफ जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता है वहाँ वहाँ पे हम ग्रीन कलर को अप्लाई कर लेते हैं। ग्रीन भी मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अब मैं करने जा रहा हूँ पर्पल कलर। दोस्तों यहाँ पे पर्पल कलर मेरे पास डायरेक्ट कलर नहीं है, जिसलिए मैंने कलर्स को मिक्सिंग किया है, क्योंकि कुछ कलर का सिर ठीक नहीं होता, जिसके लिए कलर यहाँ पे हमें प्रॉपरली जैसे डायरेक्ट कलर्स हमें मिलते हैं वैसे मिक्सिंग करने के बाद प्रॉपरली कलर्स हमें नहीं मिलते, थोड़ा फार इसमें शेड्स चेंजेस हो सकता है। अब मेरा पर्पल कलर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये होगा हमारा कूल कलर में पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में मैं करूंगा वही कलर्स को थोड़ा सा लाइट करके यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा व्हाइट मैंने मिक्स किया है, तो जहाँ जहाँ पे हमें आवश्यकता लगेगी वहाँ वहाँ पे मैं इस कलर को अप्लाई करूँगा। गाइज ये भी मेरा अभी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैं करने जा रहा हूँ ग्रीन कलर को। सो इसी ग्रीन कलर को मैं यहाँ पे लाइट करके अप्लाई करने वाला हूँ।
थोड़ा सा इसमें व्हाइट मिक्स करके आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर हर तरफ आप एक ही डायरेक्ट डार्क कलर ही अगर आप अप्लाई करेंगे, कलर्स का थोड़ा सा शेड चेंज करके पेंटिंग करने से क्या होता है, पेंटिंग आपकी और भी थोड़ा सा बैलेंसिंग बनने के लिए शुरुआत हो जाती है और अच्छा भी दिखेगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। अब हमारा ग्रीन कलर भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब आप लोग देख सकते हैं ये पेंटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है। हे गाइस, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। यदि आपके पास वार्म और कूल कलर को लेकर कोई आपके पास क्वेश्चंस है तो कृपया आप नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिए और ऑलवेज आर्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।